मुझे इससे किस्सा याद आया, सॉरी अब सुना ही दूं मैं वो किस्सा, कि हमारे यहाँ चार भाइयों का और उनके पिताजी हैं, उनका परिवार है। अच्छा जी। तो घर में पान की परंपरा है, घर में ही पान का डब्बा होता है, रखा जाता है। तो पिताजी और चारों भाई बनारस जा रहे थे नहाने, तो घर से निकले, अरे पान बनावा हो, तो पान बना और चारों मुंह में डाल लिए। एक बड़े भाई चला रहे हैं, पिताजी आगे बैठे हैं और बाकी तीन भाई पीछे। चार घंटे निकल रहे, कोई किसी को बोल नहीं रहा है, तो चाय पीने के लिए कहीं रुक जाओ। ऐसे करके आधे घंटे बाद इशारों इशारों में गाड़ी एक ढाबे पे रुकी। हाँ। फिर ढाबे के पीछे गए और सब धरती के लाल हुए। खैर, लेकिन मनोज तुम्हारा वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो एक बार मुझे इन्होंने वासेपुर में बताया था, सर्दी की सुबह थी, हम लोग बैठे हुए थे अपने अपने कॉस्ट्यूम में। तो इन्होंने कहा कि भैया आपको याद है आपका चप्पल गुम हो गया था। मैंने कब? तो मौर्या में आप ठहरे हुए थे, आपका चप्पल गुम हुआ था ना। हाँ हाँ यार, ये मेरा चप्पल गुम हो गया था, वहाँ से मुझे मिला ही नहीं चप्पल, तो वो मैं लेके चला गया था। Really? So sweet यार। नहीं देखिए क्या होता है, मैं अब मैं इस घटना में सब करेक्ट है। मैं अपना वर्जन सुनाता हूँ। हुआ यूं कि अचानक हाउस के मैं किचन में था, किचन सुपरवाइजर था उस वक्त। तो कॉल आया कि अरे मनोज जी आए हैं, और मैं थिएटर करता था तो रसोई वालों को पता था यार ये मनोज वाजपेयी आए हैं। बोल है, हम तो मतलब ऐसे थे विस्मृत। तो मैं बोला यार उनके रूम से कोई भी ऑर्डर आए ना, रूम सर्विस को बोला तो मुझे बताना सीधे कि क्या चाहिए। तो खबर आई कि एक सूप चाहिए और सेव एप्पल चाहिए। तो मैं बढ़िया 50 किलो एप्पल में से आपके लिए चार चुनवाए थे। कि थोड़ा भी उसमें कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं हुआ। अमूमन होटल में अच्छे होते हैं, बट उसमें भी मैं बेस्ट ऑप्शन निकलवा के और बढ़िया से उसका रैप वैप करा के और रूम में भेजा और बोला कि उनको, जो वेटर गया कि उनको बोलना एक लड़का है मिलना चाहता है थिएटर का, दो मिनट में मिल लूँ। कट्टू मैं गया, भैया से मिला कि प्रणाम मैं भी थिएटर करता हूँ, पैर वैर छुआ, और ज्ञान भैया बैठे थे, ज्ञानदेव भैया भी। मैं निकल आया, अगले दिन सुबह में ये चेकआउट करके एयरपोर्ट गए, चले गए। तो आमतौर पर बड़े होटलों में आपका कोई छोटा मोटा चीज़ छूट गया तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वो इतला की जाती है। तो इनका एक हवाई चप्पल स्लीपर छूट चुका था, तो हाउसकीपिंग वाले ने बोला अरे तुम्हारे मनोज वाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि एक लव्य की तरह, एक लव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल लूंगा। हाय 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 हाय। क्या बात है पंकज, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, क्या बात है, वाह। दैट इज सच अ स्वीट स्टोरी एंड देयर इज सो मच इमोशन इन इट। मेरे लिए इन सब लोगों की सफलता और इन सब लोगों की बातें, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अवार्ड इससे बड़ा होगा कभी। क्या बात, कभी। मैं ये जो यहाँ हुआ है, यहाँ होता नहीं है कपिल शर्मा शो में, ये नहीं होता है, लेकिन मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आ रहा है। जी प्लीज। कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है। वाह। खुद से चल के नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तुफन आया है। तो मनोज सर, जैसे पंकज भाई ने बताया कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, आप किन से इंस्पायर थे जब आप पहली बार? बचपन में तो सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही नहीं था। क्या बात है जी। लेकिन जब रंगमंच करने के लिए मैं दिल्ली पहुंचा जी, तो वहीं पे बता दिया गया है कि मेरी औकात क्या है। क्योंकि शराब को शराब बोलता था और जहाज को जहाज बोलता था। तब लोगों ने कहा कि अरे यार नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी है तुमने, हम कहाँ से देखते, बेतिया शहर में नसीर साहब की फिल्में नहीं लगती थी। उन लोगों की जो फिल्में धीरे 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 फेस्टिवल्स वगैरह में जाके देखनी शुरू की, अभिनय की बारीकियाँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे लिए ना ओमपुरी साहब, नसीर साहब, मेरे लिए ऐसा था कि
ये लोग मिल जाएंगे तो मेरा जीवन जो है बन जाएगा, है ना। और आज भी नसीर साहब को मैं रात को कभी 12-1 बजे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अचानक से जो है उनको फ़ोन लगाता हूँ, तो उस दौरान में मैं पिया हुआ करता था, तो उस दौरान में कुछ ज़्यादा फ़ोन चले जाते थे। ये अच्छा है। तो उस समय अचानक इमोशनल होके फ़ोन करता था उनको, और सिर्फ इतना बोलता था, आई लव यू नसीर भाई। सिर्फ ये बोलने के लिए। मुझे लगता है कि अभिनय की बारीकियां इस हिंदुस्तान को नसीर साहब और ओमपुरी जैसे लोगों ने दी। बिल्कुल। और पंकज कपूर साहब ने, रघुवीर यादव, अनु कपूर उस दौरान में। और मैं एक बात इसके साथ ही अंत करना चाहूँगा कि हमने विश्व भर का सिनेमा देखा है और अभी भी देखते हैं, शोज देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से बड़ा कलाकार इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रॉबर्ट डेनिरो, पचिनो की बात करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं लोग, उनको भी देख के हमने सीखा है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब का देखिए, अपनी जवानी में ऐसी ऐसी फिल्में बिना पैसे की है उन लोगों ने, और 30-30 दिन में, 20-20 दिन में, 25 दिन में, गरीबी और भुखमरी में जो ग्रेट काम किया है उन्होंने, कोई रॉबर्ट डेनिरो करके दिखा दे, कोई पचिनो करके दिखा। जैसे मनोज सर ने कहा ना कि हम लोग हिंदी भाषा में पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हमारे लिए हवा ही था, एक्चुअली स्किल माना जाता है। और जैसे आपने कहा कि इंग्लिश फिल्मों का जिक्र, जब मैं भी नया नया बॉम्बे आता तो चार लड़कियां इधर उधर इंग्लिश में बातें करें, अच्छा तब बड़ा फील होता था कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमने तो वही दो देखी है, जुरासिक पार्क और टाइटैनिक। ऐसी चार लड़कियां कोई चैनल से, यू नो दैट पिक्चर वाज, अच्छा हिंदी में आप बड़ी भारी बात भी कर लो ना कि हमारे ये वो, इंग्लिश में कोई वैसे ही बोल जाए और ऊपर से सामने वाले को आती ना हो, बट यू नो व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आदमी वैसे कहता कि अच्छा वो लड़कियां जब बात करती थी ना चैनल से और इधर उधर दूसरे आर्टिस्ट, इवन दैट फिल्म यू नो रॉबर्ट इज टू गुड, और फिर हमें अपना पक्ष भी रखना पड़ता था, वो बात कहीं और ही चल रही, बीच में मैं बोलता था, इवन टाइटैनिक वाज माइंड ब्लोइंग। बड़ा फंस जाता है आदमी। क्या होता है ना, मरीज जब डॉक्टर के यहाँ जाता है ना, डॉक्टर अंग्रेजी बोले ना तो उसको लगता है बीमारी ठीक कर देगा ये। और ये तो ठीक कर ही देगा यार, और कोई बोल दे हाँ क्या हुआ है, बैठो इधर मुंह खोलो। एंड यही चीज आप इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलेंगे सर, व्हाट हैपेंड, सिट हियर, ओपन योर माउथ, तो लगता है यार गुरु ये ठीक कर देगा कुछ। एक ही चीज है, दोनों बोलेंगे। पढ़ा लिखा डॉक्टर है। और यहाँ पे मुंबई जैसे शहरों में आधा आधा डॉक्टर तो पेशेंट ही होता है। वो खुद ही डॉक्टर को जाके बोल देते ना, सर लास्ट नाइट आई हैड प्रॉब्लम थ्रोट पेन। अच्छा ये डॉक्टर यहीं पे कामयाब है, इनको छोटे शहर ले जाओ। अगर पेशेंट ने आगे बोला डॉक्टर साहब रात से गुड़ू गुड़ू हो रहा है, अब आप बताओ माइका लाली की कौन सी MBBS बुक में लिखा है गुड़ू गुड़ू का मतलब क्या होता है, तो ये अपने देसी लोग ही समझते हैं। जहाँ हिंदी चलती वहाँ हिंदी ही चलेगी। हमारी दीदी है एक, तो उनको दर्द होता है ना, तो डॉक्टर साहब क्या हुआ, बोले पैरवा गन गन कर रहा है। वो डॉक्टर कलकत्ते में गन गन कर रहा है, तब उसको लगे गन गन क्या कर रहा है, दर्द को गन गन बोलती है, बहुत गन गन कर रहा है पैर। अब समझ लो हमारे इलाके में मेरठ के पास में, आप बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, चौधरी साहब लोग पैसा बहुत आ गया, काफी पैसा है, अब वो ताऊजी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब वो लेके गए, अब डॉक्टर पद्मश्री है, पद्म भूषण है, अब वो कह रहा है हाँ अंकल कैसे क्या होता है बताइए, अब चौधरी साहब ने बताया भाई काल जे में धुम्मा सा उठे। Ha ha ha!